चैन एक प्लास्टिक के पुतले बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है और एक प्लास्टिक के पुतले की नजर उस पर है। घर जाते समय उसको एक अजीब आदमी एक प्लास्टिक के पुतले से बात करते हुए दिखाई देता है। अचानक वो पुतला अपना सर चैन की ओर घुमाता है। ये देख वो काफी डर गया है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन गोदाम में काम करते समय चैन और उसके दोस्त को एक पुतला अजीब ढंग से खड़ा दिखाई देता है, जिसे देख दोनों डर जाते हैं। रात में घर जाते समय चैन को वो पुतला और आदमी दोबारा दिखाई देते हैं। वो पुतला चैन को देखता है और उसी की ओर आने लगता है। वो चैन का पीछा करने लगता है। हालांकि वो पुतला काफी धीरे से चल रहा था, लेकिन उसकी खौफनाक चाल देखकर चैन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। थोड़ी देर बाद चैन ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आगे का कोई रास्ता नहीं है और वो पुतला ठीक उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पुतला चैन को छूने जाता है, चैन उसको धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। वो पुतला टूट जाता है। चैन को लगता है कि ये भयानक पल अब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है, उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा है। उसके हाथ प्लास्टिक में बदल गए हैं। तभी वो उस आदमी को अपने सामने हंसते हुए देखता है और चैन का पूरा शरीर प्लास्टिक में बदलने लगा है।